मन में संतुष्टि। आपका मन हमेशा संतुष्ट रहे और संतुष्ट मन हमेशा खुश रहता है। खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, टेंशन मुक्त रहने के लिए, तनाव से छुटकारा पाने के लिए, चिंता की चिता से पार होने के लिए आपको समझा बुझा करके अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए तो कोई चिंता नहीं रह जाएगी, सब ठीक है, आनंद रहे। मैं शुरू में सत्संग करने जाता था तो भक्तों की बैलगाड़ी पर बैठता था और उसी में सो जाता था बैलगाड़ी पे। अब इस गाड़ी में बैठता हूं, इसमें भी सो जाता हूं, गाड़ी में कोई काम भी नहीं, सो जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाओ, बात खत्म। एक्सीडेंट होना होगा, हो जाएगा, जागोगे तो भी हो जाएगा, उससे कोई सोने जागने से रिश्ता थोड़े, डरना क्या है। मरना तो एक दिन है ही, मृतलोक है, अमर तो कोई है नहीं। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। और शरीर जिस दिन से जन्म लेता है उसी दिन से मरना शुरू करता है। ये तुम समझ नहीं पाते, ये खेल उसी दिन से शुरू होता है। 50 वर्ष की यदि उम्र है तुम्हारी, कुल पूंजी आयु की 50 वर्ष 100 वर्ष, जिस दिन से जन्म लेते हो और जन्म के बाद जो एक मिनट बीत जाता है, एक घंटा बीतता है, एक दिन बीतता है, एक महीना बीतता है, तो उतना कुल आयु की पूंजी में से तुम खर्च कर चुके हो, यानी उतने दिन अब मर चुके हो। अब वो जी चुके हो या मर चुके हो, जो भी कहो एक ही बात है। जैसे आपके पास 10 किलो गेहूँ है, 1 किलो खर्च कर लो तो 1 किलो कम हो गया कि नहीं। अब 9 किलो बचा है, 9 किलो और खर्च करना है। तो 100 साल उम्र थी, अब 35 साल खर्च कर लिया है तो कितना बचा है? बस 65 साल और खर्च करना है। रोज खर्च करो, आराम से खर्च करो, निश्चिंत खर्च करो, क्योंकि अब 100 तो है ही है, अब इसको तुम अच्छी तरह खर्च करो और ऐसे ढंग से खर्च करो इस उम्र को, ऐसे ढंग से जियो जिंदगी कि बार बार हजार बार मनुष्य का शरीर फिर से प्राप्त हो। ऐसी जिंदगी जियो, घाटे का सौदा मत करो कि कम से कम मनुष्य शरीर 100 साल के लिए मिला है तो 100 साल में इतनी कमाई तो कर लेना चाहिए कि पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा धोखा ना हो जाए, घाटा ना हो जाए कि मनुष्य शरीर 100 साल जीने के बाद भी जब मृत्यु हुई उसके बाद कुत्ता बनकर पैदा हुई, पोछ लाते घूम रहे गाँव गाँव में, डंडा खाते मैं प्या प्या मार दिया कोई, अरे मत मारो मत मारो, चिल्लाते घूम रहे कुत्ता हो। क्यों ऐसी गलत जिंदगी जिया जो कुत्ते का शरीर मिला? आपको तो शरीर मनुष्य का सुंदर से। राजस्थान की एक माता जी है सुनीता देवी मीणा, तो कह रही थी कि बस यही जिंदगी जीना है, इसके बाद मरूंगी, लड़का बनूंगी, अब लड़की बनना ही नहीं। हमने कहा लड़की में क्या प्रॉब्लम? बोले लड़की में बहुत झंझट है, लड़का बनूंगी तो आपके साथ संत बन जाऊंगी, आपके ऊपर चंवर डुलाऊंगी, ये पतिवती का सब लफड़ा फालतू खत्म हो जाए। अब बोले तुम लड़की को रखते नहीं हो, स्त्रियों को रखते नहीं हो, तुम्हारा नियम ये है। मैं माता बहन को नहीं रखता हूं साथ में, क्योंकि उससे क्या होता है, लोग लांछन लगा देते हैं, लोग कहने लग जाते हैं अरे संसार के साथ में भी तो लेडीज रहती है, उनका भी चरित्र सही नहीं है। तो अपन जब दारू पीना नहीं तो दारू की बोतल क्यों लेकर चले, रखना ही नहीं। सब झंझट खत्म न रहे, बांस न बजे बांसुरी, निंदा बुराई का अवसर ही मत दो दुष्टों को। लेकिन माता बहनों से हमारी करुणा रहती है, उनके ऊपर आशीर्वाद बहुत रहता है, क्योंकि इन्होंने ही हमको भी तो जन्म दिया है, इन्होंने ही हमको भी पाला पोसा है और इन्हीं की भावनाओं से मैं संत बना। इसी तरह की तो मेरी भी माँ है ना। कुछ लोग पूछते हैं आपकी माँ अब है कि नहीं,
हमने कहा अब तो नहीं है लेकिन कभी थी, कितने दिन में मर गई? हमने कहा अरे बहुत दिन बाद मरी है, तो 6 साल पहले मरी, मरने में भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और माँ ने ही कहा था तुम संत बनो। मेरी माँ, कुछ ऐसी माताएं महान होती हैं जो अपने बेटे को महान पुरुष बना देती हैं, देव पुरुष बना देती हैं। खुद तो जैसी की तैसी रहती हैं, मिट्टी खुद तो जैसी की तैसी है लेकिन गुलाब के फूल भी उगा देती है कभी कभी मिट्टी। ऐसे माता कभी कभी अपने बेटे को महान संत बना करके भगवान से भी ऊंचे स्थान दिला देती है। महिमा है। साधु संत तो संतुष्टि, लेकिन संतुष्टि का अर्थ ये नहीं है कि कबाड़ी बने रहो, संतुष्टि का अर्थ ये नहीं कुछ खाओ ही मत, संतुष्टि का ये अर्थ नहीं कि व्यवस्था बिगाड़ के रखो, संतुष्टि का ये अर्थ नहीं है कि गंदगी में पड़े रहो, ये संतुष्टि नहीं है, ये आलस्य है, ये बिना बुद्धि का काम है। पूरी बुद्धि को खर्च करना है और फिर जो रिजल्ट मिलता है उसमें खुश रहना है, उसमें खुश रहना है। संतोषम परमम सुखम, मैं संतोष रखता हूं पर ऐसा संतोष नहीं रखता हूं कि गोबर पर बैठा रहूं, गोबर उठाकर फेंकूंगा, साफ करूंगा, जल छिड़कूंगा, फिर हाथ धो के बैठूंगा। संतुष्ट हूं तो घोड़े पर थोड़े बैठ जाऊंगा। संतुष्ट होने का मतलब यह नहीं कि झोपड़ी में जिंदगी गुजार दो, संतुष्टि का यह अर्थ नहीं कि जिंदगी भर मोटरसाइकिल फटफटी पर चलते रहो। संतुष्ट होने का अर्थ यह है जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है प्रयास करके उसको भी प्राप्त कीजिए और उसका भी और आनंद लीजिए, उन्नति करिए। संतोष कभी नहीं सिखाता है कि उन्नति रोक दो, विकास रोक दो, संतोष सिखाता है खूब उन्नति करो और मन को संतुष्ट रखो, प्रसन्न रहो, अपने पति में भी संतुष्ट रहो। जो तुम्हें पति मिला है ये तुम्हारे भाग्य में था और ये पति ही तुम्हारे लिए अच्छा है, इस पति को धन्यवाद दो, पति को गाली मत दो, पति से वाद विवाद मत करो, पति को भोजन भी टाइम पर दे दो। ये पति बेचारा तुम्हारे सहारे ही जी रहा है, ज्यादा डांटोगी तो ये दुखी हो जाएगा और ज्यादा फटकार दोगी तो अधमरा होकर खेत की मेड़ पर पड़ा रहेगा, और ज्यादा इसको धरसल्ला मारोगी, आंख गुर्रा कर दिखाओगी तो ये बेहोश हो जाएगा कि माँ बाप तो सब छूट गए और यही देवी जी का सहारा था और देवी जी इतना खंजर चला रही है, क्या है। एक पति मेरे से रो रहा था, बोल रहा था कि माता पिता गुजर गए, अब मेरी जो वाइफ है इतना कर्कश बोलती है, कठोर बोलती है, अब गुरुदेव कोई सहारा भी नहीं है, उसी के साथ रहना है, पर बड़े चोटदार शब्द बोलती है, कभी कभी तिल मिला जाता है, मां तुम्हारा प्रवचन सुन लेता हूं फिर शांति आ जाती है। रोज सुना करो, रोज तिल मिलाओ, रोज शांति पाओ। लेकिन वो नारी बहुत बड़ा पाप कमा रही है जो अपने पति को गाली देती है, वाद विवाद करती है। जब पति को खुश नहीं कर पा रही तो परमेश्वर कैसे खुश होगा? फिर ये भी कहा जाता पति में परमेश्वर होता है, जो पति खुश है तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। और अपनी पत्नी को भी दुखाना मत, इनको कष्ट मत देना, यदि ये कहती हैं शराब छोड़ दो उसी दिन छोड़ देना, इनको भी लगे कि हम में कुछ दम है, देखो शराब छुड़वा दी। फिर आपकी वाइफ मायके में चर्चा करेगी, मेरा पति पूरा मेरे कंट्रोल में है, एक ही दिन मैंने कहा शराब छोड़ दो उसी दिन छोड़ दिया, इतना मेरा आज्ञाकारी शिष्य है वो।
छोड़ना तो है ही, आखिर गुरु जी के पास छोड़ोगे तो उसी के साथ छोड़ दो, उसका सम्मान भी हो जाए। तुम्हारी वाइफ कहती तंबाकू छोड़ दो, तुरंत मुंह से निकाल के बोलो कहाँ डाल दो, तेरे मुंह में डालो कि उधर फेंक दो, फेंक दो। पान खाना छोड़ो, ये सब क्या कचड़ा पचड़ा खाते हो। बीड़ी सिगरेट पीना भी छोड़, आलस्य करना भी छोड़, क्योंकि आलसी पति से पत्नी बहुत दुखी होती है। जब देखो तब लेटा हुआ है, कमरे से पत्नी उठा पाती है तो द्वार के बरामदे में लेटे हैं, द्वार पे धक्का मारती है, कुछ बड़बड़ाती है तो छत पे जाके लेट जाते हैं। इतना आलसी पति, भगवान बचाए ऐसे पति से। ऐसा पति मरने के बाद पति नहीं बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा, वो भैंस का पड़वा बनकर पैदा होगा। भैंस का पड़वा जानते हो, उसका नाम पड़वा इसलिए है क्योंकि जन्म से लेकर के जिंदगी भर वो पड़ा रहता है, भैंस का पड़वा। भैंस का पड़वा में ये गुण है, उसका नाम मैं कभी कभी सोचता था इसका नाम पड़वा क्यों रखा है। पड़वा इसलिए कि पड़ा रहता है। कितनी स्त्रियों को पति के रूप में पड़वा मिला है, पड़ा रहता है, काम नहीं करता है, बड़ा निकम्मा है। पत्नी का मन होता है कि मैं भी कुछ विकास करूं, मेरा घर अच्छा बने, मेरे पास भी गाड़ी हो, लेकिन पड़वा गाड़ी क्या लाएगा। अभी जितने यहां पति बैठे ये तो पड़वा पना छोड़ देंगे, कल से घोड़ा हो जाएंगे, दौड़ लगाएंगे। पड़वा जैसे पति मत बनो। कितने गुरुओं के चेला भी पड़वा है, मेरे पास तो मैं पड़वा रखता ही नहीं। ये हमारे चेला जितने हैं ना, पड़वा कोई नहीं, ये तो बड़े विकासशील उन्नतशील चेला है, बहुत महान है। देखो एक चेला कैमरा चला रहा है, चार चेला भजन गा रहे हैं, पांचवा चेला उधर बैठा है, वो दान लेने के लिए बैठा है कि विजय लक्ष्मी उठे तो लक्ष्मी कुछ इधर दे दे। हाँ, खाली विजय लेकर जाए, लक्ष्मी छोड़ जाए। देखो छोड़ती है कि हरिद्वार कुंभ के लिए वो दान इकट्ठा कर रहे हैं। 10 लाख तीर्थ यात्रियों का भंडारा हरिद्वार कुंभ में होगा। आपके कैंप में 6 लाख यात्री विश्राम करेंगे 18 दिनों में, उसके लिए दान वो ले रहे महाराज जी। देख लो उनको, मुड़ के देखो ना, देखते नहीं तो नहीं। जहां देना होता उधर कहां देखते थे, जहां मिलने वाला होता उधर ही देखते, उधर देखो, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा तो उधर दान वान कर देना महाराज। एक चेला है, ये कौन बाजा बजा रहे, कैसियो है, बेंजो नहीं, कीबोर्ड बजा रहे, 2 महीने से बजा रहे हैं, आज हम बाजे का नाम समझ रहे, कीबोर्ड। मैं सोचता था कि बेंजो, पता नहीं बेंजो कैसा होता है। उधर एक चेला बैठा है, वो भी इसी आशा में कि महिलाएं इधर दान देते हैं, सब ड्यूटी। उधर कुछ चेला साहित्य सेंटर में बैठे, कुछ चेला भोजन बना रहे, सब जुटे हुए हैं, पड़वा एक भी नहीं रखा। अगर पड़वा आ गया ना तो उसके खूंटे से खोल देता, निकल जाओ पड़वा राम, यहां मत रह। यहां कोई भैंस नहीं तो पड़वा क्या जरूरत है, तुमने गुरु को क्या समझा। चेला खुश बहुत, उसके ऊपर लगा दो कैमरा जरा, वो जो हंस रहा, हाँ लगा, इसके दांत इस तरह के सुंदर दांत देखो, हाँ लगा लगा। वास्तव में धन्य है, कितने लोग बेटे की शादी करके बहू लाते हैं, बहू का नाम लाड़ी, लाए थे लाड़ी, और जब ससुराल में पहुंची तो भी लाड़ी, 6 महीने बाद वो लाड़ी से बन गई पाड़ी, पड़ी रहती है, काम नहीं करती, इतना फैशन करती है,
नाखून में रंग, होंठ में रंग, गाल में रंग, बाल में रंग, खोपड़ी में रंग, माथे में रंग, रंग में रंग, पूरा रंगा रंग, घर में दंगा दंग। माता लोग खुश है, मुंह में धोती लगा लगा के हंस रही है। ऐसा ही गुरु ढूंढ कर लाया है शिव शंकर बजरंग। 12 लोग गए थे छत्तीसगढ़ मुझे लेने के लिए, 12 लोग। मैं वहां इनको मिला। बजरंगी का कुछ गुण इनमें भी है। खूब मिले, प्रेम से मिले, हम भी हंसे, ये भी हंसे, और दोनों हंसे तो दोनों फंसे। फिर तो यहां आए हैं, प्रेम में फंस गए इनके। लेकिन जिस दिन ये विदा हुए, जैसे बंदर कूद के चला जाता है, कूद के चले आए, फिर राम राम नहीं किया, मिले ही नहीं, बस निकल लो, अब तो काम हो गया, गुरु प्रेम में फंस गए, चलो खुद ही आएंगे ये। और वास्तव में सिंगरौली में मुझे 10 वर्ष पहले आना चाहिए था, ये हीरवाह में 10 वर्ष पहले, बहुत लेट आया हूं, और लेट का दंड मुझे चाहिए, वो ये चाहिए कि अगले साल जल्दी आ जाए, यही दंड है।